चंद्रा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैंने आपको पिछले वीडियो में रीजनिंग में पढ़ाया था कैलेंडर से संबंधित कि जैसे कोई भी महीना हो, ठीक है, उसमें जो जो दिन आते हैं वो किस महीने में मैच करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे एक महीना जिसमें जो जो दिन वो किसी और भी महीने मैच कर सकता है, तो उसका मैंने तरीका बताया था। सामान्य वर्ष के लिए अलग था, ठीक है ना, और लीप ईयर के लिए अलग था। आज मैं पढ़ाऊंगा समान वर्ष वाले वर्ष। क्या पढ़ाऊंगा? समान वर्ष वाले वर्ष। तो इससे क्या मतलब है मैं आपको बता दूं। जैसा कि समान वर्ष वाले वर्ष की अगर बात की जाए तो जैसे मान लीजिए कि ये सन 2023 है, ठीक है, और सन 2023 में जिस जिस तारीख को जो दिन है, ठीक, जिस जिस तारीख को, जिस महीने की जिस जिस तारीख को जो दिन है, वो फिर से हो सकता है कि किसी और वर्ष में आने वाले भविष्य में, किसी और वर्ष में 2023 के कैलेंडर का हम प्रयोग कर सकते हैं। कैसे प्रयोग कर सकते हैं? प्रयोग ऐसे कर सकते हैं कि जो जो दिन जिस जिस तारीख को 2023 में पड़ेगा, वही वही दिन उस वर्ष भी उस तारीख को पड़ेगा। तो एक कैलेंडर बनाने वाला क्या कर सकता है? वो करेगा क्या, बस 2023 का टैग हटा देगा और उसके जगह क्या करेगा, जिस सन में सेम ऐसे मैच करेगा, तारीख के अनुसार जो भी दिन मैच करेगा, बस उस सन का टैग ऊपर वो क्या करेगा, लगा देगा, ठीक। और इस प्रकार अगर कितना भी पुराना स्टॉक बचा है सन 2023 के कैलेंडर का, वो उस वर्ष में क्या करेगा, बेच देगा। कैसे बेचेगा? बस ऊपर का, बस क्या 2023 अगर है तो मान लीजिए कि अगर 2023 है, उसका प्रयोग मान लीजिए 2030 में हो सकता है, बस वैसे मैं मान रहा हूँ। वैसे 2023 के कैलेंडर का प्रयोग कब होगा मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। तो अगर 2023 है, उसके कैलेंडर का प्रयोग मान लीजिए 2030 में हो सकता है, तो कुछ करना है नहीं, बस क्या करना है, उसमें जिस जिस तारीख को जो दिन था वो टोटल मैच कर रहा है, ठीक है, बस वो क्या करेगा, 2023 की जगह 2030 लगा देगा और पूरे कैलेंडर को क्या करेगा, बेच देगा ऐसे, ठीक। तो वैसे हुआ, मतलब हम समझाने के लिए चीजें बता रहे थे कि समान वर्ष वाले वर्ष से क्या मतलब है, ठीक है। तो अक्सर जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि चलिए ये सन 2023 ही ले लेते हैं, क्योंकि 2023 में है, इसी को पहले ले लेते हैं। तो देखिए सन 2023 के कैलेंडर का दोबारा कब प्रयोग कर सकते हैं, दोबारा कब प्रयोग कर सकते हैं, क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि इसमें दे दिया ऐसे, सन 2023 के कैलेंडर का दोबारा प्रयोग कब कर सकते हैं, ठीक है, दिया है कि प्रयोग कब कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, ठीक है, यानी किस वर्ष में प्रयोग कर सकते हैं दोबारा, ठीक है। तो मान लीजिए इसे मैं आपका कुछ ऑप्शन दे दिया, इसे मान लीजिए 2029 दे दिया, दो 34 दे दिया, 2011 दे दिया और 2033 दे दिया, ठीक है। तो सबसे पहले करेंगे क्या, देखिए 2023 है, याद एक नियम यूज करेंगे, सबसे पहले समान वर्ष लेंगे, ठीक है, लीप ईयर के लिए क्या करेंगे, लीप ईयर के लिए पहले चार से भाग देंगे, जो भागफल आएगा वो लिखेंगे, फिर शताब्दी वर्ष लेंगे, क्या लेंगे, शताब्दी वर्ष। अब भाग किसे देंगे, सात से। तो देखिए यहां पर 23 है, अब 23 में चार से भाग दें, चार पच्चे 20, कितना आएगा भागफल, यहां पे 5 आएगा, चार पच्चे कितना है 20 आया, ठीक ना। अब देखिए शताब्दी वर्ष, सन 2000 है, कौन सी शताब्दी का, 2023 किस सन शताब्दी का है, सन 2000 का, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि वह 100 शेष आए, चाहे 200 शेष आए, चाहे क्या 300 शेष आए, चाहे क्या 400 शेष आए, मैंने बताया था कि किसी भी शताब्दी में
400 से भाग देंगे, ठीक है। और शेष अगर ये आते हैं तो उनका कोड क्या लेंगे, देखिए 42 06, सॉरी 400 से इसमें आएगा जीरो आएगा, क्या आएगा जीरो, शेष कितना आएगा जीरो, ठीक। 100 शेष आएगा चार कोड लेंगे, 200 आएगा दो शेष दो कोड लेंगे, ठीक है। 300 अगर शेष आएगा तो उस कंडीशन में जीरो कोड लेंगे, और जीरो कोड जीरो शेष आएगा तो उस कंडीशन में क्या करेंगे 6 शेष लेंगे, यानी शताब्दी वर्ष में 400 से भाग देने पर, शताब्दी वर्ष कौन है 2023 है तो किस शताब्दी का, सन 2000, 400 से भाग दीजिए, 20 से 20 कट गया, 4 × 4 = 4, 4 × 5 = 20, पूरी तरह कट गया, तो पूरी तरह कट गया, ध्यान दीजिए ये भागफल है, ठीक ना, यहाँ शेषफल लेना है, पूरी तरह कट गया यानी जीरो आया, तो जीरो से शायद कोड क्या लेना है 6 लेना है, ठीक है, तो हम कोड ले लेते हैं 6, ठीक। भाग किससे देना है 7 से, तो ये बताइए यहाँ पे 23 में अगर 5 जोड़ते हैं तो कितना आ गया 28 हो गया, कितना हो गया 28, और 28 में अगर 6 जोड़ दिया हो गया 34, 34 में अगर 7 से भाग देते हैं तो बताइए 7 जोड़ो कितना हुआ 28, और ये बताइए 7 × 5 = 35 लेंगे अधिक हो जाएगा, तो हम क्या लेंगे 7 × 4 = 28, 34 में से 28 घटाएंगे कितना शेष आएगा 6 शेष आएगा, 6 शेष आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि शेष कितना आ रहा बताइए 6 आ रहा, ठीक। अब जिस वर्ष में ठीक ना शेष 6 आएगा, ठीक, 2023 का कैलेंडर का प्रयोग उसी वर्ष में हम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वही चीजें यहां ट्राई करते हैं, 29 है सदा वर्ष में अंतिम दो अंक यूज करते हैं, ठीक है। 29 में 4 से भाग दीजिए, तो जब 4 से भाग देंगे तो सबसे पहले बताइए 4 × 7 कितना होगा 28, कितना हो जाएगा 4 × 7 = 28, यानी भागफल कितना होगा 7, ठीक है। अब ये सन 2000 शताब्दी है, 2000 में जब 400 भाग देंगे जीरो शेष होगा, और जीरो शेष होगा तो कोड क्या होगा 6, ठीक। अब इसको क्या करते हैं 7 से भाग देंगे, तो बताए 7 से अगर भाग देंगे तो बताए 29 × 6 कितना हो गया 35 हो गया, कितना हो गया 35 हो गया, और 35 × 7 कितना हो गया 42, कितना हो गया 42, ठीक है। तो अब बताइए 42 में 7 से भाग दो तो 7 × 6 = 42, यानी शेष कितना आएगा 0, शेष कितना लाना था 6 लाना था, कितना लाना था 6, तो यहां पर 6 नहीं आ रहा, ठीक है ना, यानी आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं 2034 में, साधारण वर्ष में क्या लेना है अंतिम दो अंक 34 लेंगे, ठीक है, ठीक। उसके से ध्यान दीजिए कि लीप ईयर लेने के लिए, लीप ईयर में बस भागफल ले आया था 4 से भाग दे, 34 में थोड़ा 4 से भाग दीजिए, 4 × 8 कितना आ जाएगा 32 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 32, यानी 8 बार में जाएगा, ठीक है, 4 × 8 = 32, तो 34 में अगर 8 से भाग दें, सॉरी 34 में अगर हम क्या करें 4 से भाग दें तो कितना होगा 4 × 8 = 32, कितना शेष हो जाएगा बताएं, सॉरी शेष नहीं, कितना लेना भागफल लेना है, 4 × 8 = 32, 8 बार में गया। फिर ध्यान दीजिए कौन सी शताब्दी है, सन 2000, 400 भाग देंगे शेष 0 आएगा, कोड क्या लेंगे 6, ठीक है। अब थोड़ा यहाँ पे 7 से भाग दीजिए, ठीक है, तो 7 से अगर भाग देंगे तो यहाँ बताइए कितना हो जाएगा, यहाँ पे 34 और 8 कितना हुआ 42, और 42 × 6 कितना हो गया, 42 × 6 कितना हो गया 48 हो गया, कितना हो गया 48 हो गया, 48 में 7 से भाग देना है, ठीक है। तो खुद देख लीजिए आप यहाँ पे 8 × 6 = 14, और 14 में 34 जोड़ दीजिए, 4 × 4 = 8, 3 × 1 = 4, 48 हो गया, ठीक है। 48 में हम 7 से भाग देते बताइए, 48 में अगर 7 से भाग देते हैं तो कितना होगा 7 × 6 कितना होगा 42 होगा, शेष कितना आया 6 आया, शेष कितना आया 6, ठीक। तो ये बताइए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना आया था यहाँ पे शेष 6 शेष आया था, और वही 6 शेष कहाँ पे मैच किया, आप देखिए 2029 में मैच नहीं किया, 2029 में कितना आया शेष 0 आया, क्या आया शेष 0 आया, ठीक है। लेकिन अगर बात करें किसकी, सन 2034 की बात करें तो बताइए सन 2023 के कैलेंडर में भी शेष 6 है, और सन 2034 के भी कैलेंडर में भी शेष क्या है 6 है, तो बताइए इन दोनों के शेष मैच कर गया, और जिस वर्ष में जाके शेष मैच कर जाता है उसी वर्ष में उस कैलेंडर का दोबारा हम प्रयोग कर सकते हैं, तो बताइए सन 2023 के कैलेंडर का दोबारा प्रयोग कब कर सकते हैं, किस सन में कर सकते हैं, सन 2034 में, ठीक है।
किस वर्ष में कर सकते हैं? सन 2034 में, ठीक है। लेकिन इस तरह से करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक। आप एक चीज देखिए कि अगर यहां 2023 से 2034 के बीच की बात कर देखें, यहां पे क्या 2023 है और 2034 है, इन दोनों का डिफरेंस थोड़ा देखें तो ध्यान दीजिए। 2034 में से अगर हम 2023 घटाते हैं, कितना घटाते हैं? 2023 कितना आया बताइए, अंतर कितना आया? 11, अंतर कितना आया? 11, ठीक है। तो एक चीज कभी भी ध्यान दीजिएगा कि किसी वर्ष के अंतिम दो अंक में, अंतिम दो अंकों में अगर 4 से भाग दें, ठीक है ना, किससे भाग दें? 4 से भाग दें और शेष कितना आए? शेष अगर 2 आए चाहे 3 आए, मैंने बस एक एग्जांपल के तौर पे दे दिया, ठीक ना, बस ध्यान दीजिएगा शेष। अब चाहे तो मैंने इस तरीके से भी कर सकता है, इसलिए मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया, ठीक ना। लेकिन अगर कभी भी शेष क्या आता है, अगर 2 आता है चाहे 3 आता है, तो उस वर्ष के कैलेंडर का प्रयोग हम कितने साल बाद कर सकते हैं? 11 साल बाद कर सकते हैं, ठीक है। और किसी भी सन में अगर हम 4 से भाग दें, अगर शेष कितना है? शेष 1 आए, कितना है? शेष 1 आए, तो उस वर्ष के कैलेंडर का प्रयोग हम कर सकते हैं 6 साल बाद, ठीक है। और किसी भी वर्ष के अंतिम दो अंकों में 4 से भाग देने पर पूरी तरह से कट जाए, यानी अगर वो लीप ईयर हो तो उस वर्ष के कैलेंडर का हम दोबारा प्रयोग कर सकते हैं 28 साल बाद। कब कर सकते हैं? 28 साल बाद। तो चलिए, तो जैसा कि मैंने इस क्वेश्चन में बताया, इसको दोबारा समझा देते हैं, फिर देखिए। पूछा ये गया था कि 2023 के कैलेंडर का दोबारा प्रयोग कब कर सकते हैं, तो बताइए हम किस तरीके से किए। सवा वर्ष लिया, लीप ईयर लिया, शताब्दी वर्ष लिया, भाग किसे दिया? 7 से। तो सवा वर्ष में क्या करते हैं? उस सन का अंतिम दो अंक लेते हैं, देखिए 23 ले लिया। लीप ईयर में क्या करते हैं? ये जो अंतिम दो अंक 23 है, इसमें हम क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे, तो 4 पच्चे कितना हुआ? 20, ठीक है। इसका जो भागफल आया बस वो लिखते हैं, 5 लिख लिया, ठीक है। उसके बाद से शताब्दी वर्ष लेते हैं, तो शताब्दी वर्ष सन 2023 है, तो किस शताब्दी वर्ष का? सन 2000 का है, ठीक ना, किस शताब्दी का है? सन 2000, ठीक है। तो सन 2000 में शताब्दी में हम किससे भाग देते हैं? 400 से। किससे भाग देते हैं? 400 से। 2 0 से 2 0 कट गया, 4 5 20 पूरी तरह कट गया, पूरी तरह कट गया, यानी से 0 आया, से 0 आ गया तो कोड क्या लेते हैं? 6। तो वही मैंने कोड 6 लिया, इनको जोड़ा 34 आया, 34 में 7 से भाग दिया, 7 चौको 28, 34 में से 28 घटाएंगे, 6 शेष आया। अब वही 6 शेष किस वर्ष में मैच किया है? जाके सन 2034 में, सन 2034 में जाके यहां भी 6 शेष है, यहां भी 6 शेष है, मैच कर गया। तो जिस वर्ष में जाके ये कोड मैच करता है, ठीक है ना, जिस वर्ष में जाके ये जो शेष होता, सॉरी कोड नहीं, जो शेष मैच करता है, यानी कि वो दोनों कैलेंडर क्या होते हैं, यानी दोनों वर्ष के कैलेंडर क्या होते हैं? सेम होते हैं, यानी 2023 के कैलेंडर का दोबारा प्रयोग कब किया जा सकता है? सन 2034 में, कितने साल बाद? 11 साल बाद। तो इसको देखिए, इतना लंबा करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, वो तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, कभी करना हो तो आप ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं। मैं सबसे आसान तरीका देखिए कैसे करना है, देखिए 2023 है, ठीक है, 2023 के बारे में ही मैं बताता हूँ, ठीक। चलिए देखते हैं, तो अगर बात करते हैं सन 2023 की, देखिए सन 2023 की बात करें तो बहुत ही छोटा तरीका मैं बताने जा रहा हूं। इस तरह क्वेश्चन में देखिएगा किसी भी सन के अंतिम दो अंकों में, अंतिम दो अंक में किससे भाग देंगे? 4 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे? 4 से। 4 से भाग देंगे, ठीक है। अगर शेष क्या आता है? शेष 0 आए, ठीक है, 1 आए, ठीक है ना, 2 आए चाहे 3 आए, यही शेष आ सकता है, क्योंकि आपको मालूम है किसी संख्या से भाग देने पर शेष क्या होता है? उससे छोटा ही होता है। तो 4 से छोटा शेष कौन कौन आ सकता है? 0, 1, 2 और 3, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहां सन 2023 है, 23 में हम 4 से भाग देते हैं, किससे भाग देते हैं? 4 से। 4 पच्चीस कितना आया? 20 आया, ठीक है। कितना शेष आया? 3 शेष आया। कितना शेष आया? 3, ठीक।
तो इसका मतलब ये हुआ कि 2023 का कैलेंडर का दोबारा प्रयोग कब कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि सन 2023 में मैंने देखिए भाग दिया 4 से, तो कितना शेष आया, 3 आया। और इस वर्ष के कैलेंडर का प्रयोग कितने साल बाद हो सकता है बताइए, 11 साल बाद हो सकता है। कितने साल बाद, 11 साल बाद। तो 2023 में 11 जोड़ेंगे कितना हुआ बताएं, 2034। क्या हुआ, 2034। ठीक है, ऐसे देखते हैं, कोई और सन ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ले लिया 1998। ठीक है, तो चलिए हम 98 में क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं। तो 4 गुना कितना हुआ, 8 हुआ। 4 चौको कितना हो गया, 16 हो गया। 18 में 16 घटाइए, शेष कितना आया, 2 आया। शेष कितना आया बताएं, 2 आया। ठीक है, तो शेष 2 आया। तो आप ध्यान दीजिए कि यहां पर शेष कितना आया, 2 आया। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस कैलेंडर का भी प्रयोग कितने साल बाद हो सकता है, 11 साल बाद। ठीक है, कितने साल बाद, 11 साल बाद। तो बताइए 8 1 9, 9 1 10, 9 1 10, और एक कितना हो गया, 2। तो बताइए आंसर कितना हो गया यहाँ पे, 2009। आंसर कितना हो गया, 2009। ठीक है, तो यानी अगर पूछा जाए आपसे 1998 कैलेंडर का प्रयोग कब कर सकते हैं, किस वर्ष में, तो आंसर भी आ जाएगा सन 2009 में। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं कि मान लीजिए कोई ऐसे ही सन है, जैसे आपका दे दिया सन 2013। ठीक, अब हम क्या करते हैं, 13 में 4 से भाग देते हैं। तो 4 त्याय कितना हुआ, 12 हुआ। शेष कितना आया बताइए, 1। ठीक, शेष कितना आया, 1। और ध्यान दीजिए कभी भी शेष अगर 1 आए तो उस वर्ष के कैलेंडर का पुनः प्रयोग हम किस वर्ष कर सकते हैं, 6 साल बाद। कब कर सकते हैं, 6 साल बाद। तो 2013 में अगर 6 से भाग दे, सॉरी 2013 में अगर 6 जोड़े तो आंसर क्या हो जाएगा, 2019। आंसर क्या होगा, 2019। यानी 2013 के कैलेंडर का प्रयोग हम किस वर्ष में कर सकते हैं, 2019 में। ठीक है, ऐसे मान लीजिए 2024 आने वाला है। ठीक है, 2024 का जो 24 होगा 4 से पूरी तरह कट जाएगा। तो 24 में अगर हम 4 से भाग दे, 4 6 कितना हुआ, 24, पूरी तरह कट गया, 0 शेष आया। और जब भी 0 शेष आया तो उस वर्ष के कैलेंडर का प्रयोग हम कितने साल बाद कर सकते हैं, 28 साल बाद। कितने साल बाद कर सकते हैं, 28 साल बाद। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 8 4 12, 2 2 4, और एक कितना हुआ, 5। ठीक है, और यहाँ बताइए कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2052। कितना हो गया बताइए, 2052। ठीक है, देखिए 4 1 4, 4 3 12, ये भी लीप ईयर है, ये भी लीप ईयर, ये भी लीप ईयर। तो पुनः प्रयोग कब कर सकते हैं इसका, 28 साल बाद। ठीक है, तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि देखिए यहाँ पे कि 2023 में देखिए अंतिम दो 23 था, 4 से भाग दिया, 4 5 कितना हुआ, 20। ठीक, 3 शेष आए, अगर 3 शेष आए, ठीक है, तो बताइए यानी कि 2023 में भाग देने पर 3 शेष आया, तो इस वर्ष के कैलेंडर का प्रयोग कितने साल बाद होगा, 11 वर्ष बाद होगा। कितने वर्ष बाद होगा, 11 वर्ष बाद। ठीक है, यहाँ देखिए 1998 के अंतिम दो अंकों में, 98 में 4 से भाग दे, 24 4 96, कितना शेष बचा, 2 शेष बचा। अगर 2 शेष बचता है तब भी उस वर्ष के कैलेंडर का प्रयोग 11 साल बाद होगा। देखिए 1998 का कैलेंडर का प्रयोग कब हुआ बताया, 2009 में हुआ। कब हुआ, 2009 में हुआ। ठीक है, ठीक, अब देखिए 2013 की बात करें तो 2013 में 4 से भाग दिया, 4 3 12, 1 शेष आया। और जब भी किसी सन के अंतिम दो अंकों में 4 से भाग दें, ठीक है ना, तो और 1 शेष आया, तो उस वर्ष के कैलेंडर का प्रयोग कब होता है, 6 साल बाद। तो 2013 का कैलेंडर किस वर्ष पुनः प्रयोग में लाया सकता है, 2019 में। ठीक है, ऐसे ही देखते हैं 2024 है, 24 4 से पूरी तरह कट हुआ, शेष कितना आया, 0 आया। अगर शेष 0 आया तो उस कंडीशन में उस वर्ष के कैलेंडर का प्रयोग, देखिए उस वर्ष के कैलेंडर का प्रयोग कितने साल बाद हो सकता है, 28 साल बाद। तो यहाँ 0 आया है तो कितने साल बाद हो सकता है इसका प्रयोग, 28 साल बाद। ठीक है, तो अगर हम पूछे आपसे कि 2023 के कैलेंडर का प्रयोग कब होगा, तो सन 2034 में। 1998 कैलेंडर का प्रयोग तो क्या बताएंगे, सन 2009 में। 2013 के कैलेंडर का प्रयोग तो क्या बताएंगे, 2019 में। और 2024 के कैलेंडर का प्रयोग तो क्या बताएंगे, 2052 में। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ शेष कितना था, यानी कि ध्यान देते हैं कि कभी भी 2 और 3 शेष आए तो उस कंडीशन में 11 वर्ष बाद कैलेंडर का प्रयोग होता है। ठीक है, और अगर शेष कितना आए, 1 आए,
तो उस वर्ष के कैलेंडर का प्रयोग कितने बाद होता है? 6 साल बाद। और अगर कभी वो जीरो शेष है तो उस वर्ष के कैलेंडर का प्रयोग कितने बाद होता है, कितने साल बाद होता है? 28 वर्ष बाद होता है। ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और ये शेष लाएंगे कैसे? उस वर्ष के अंतिम दो अंकों में 4 से भाग देके। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक, समान वर्ष वाले वर्ष। ठीक है, तो इसके माध्यम से आप आसानी से बता सकते हैं कि किसी भी वर्ष के, ठीक है ना, कैलेंडर का प्रयोग दोबारा किस वर्ष में हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। तो एक बार और मैं क्लियर कर देता हूं, अगर जीरो शेष आया तो उस वर्ष के कैलेंडर का प्रयोग कब होगा? 28 साल बाद होगा। अगर एक शेष आया तो उस वर्ष के कैलेंडर का प्रयोग होता है 6 साल बाद। और अगर 2 या 3 शेष आए तो उस वर्ष के कैलेंडर का प्रयोग होता है कितने साल बाद? 11 साल बाद। तो इस तरह से आप काफी चीजों को आसानी से निकाल सकते हैं कि ये वर्ष का, इस वर्ष का कैलेंडर कब हम प्रयोग में ला सकते हैं। इसको आसानी से, इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, वो चाहे केवीएस हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो वनडे लेवल का, उसमें आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।